नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 2024 का चुनाव बहुत पास में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी दिन रात एक कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री के लिए यह 2024 का चुनाव अब तक का सबसे कठिन चुनाव होने जा रहा है। अलग अलग राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, अलग अलग जगह से जो संकेत आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आसान चुनाव होगा, ऐसा उम्मीद नहीं लग रही है देश में। इसके अलावा अलग अलग मुद्दे हो रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, देश का एक उद्योगपति साम्राज्य स्थापित करता चला जा रहा है, चैनल खरीद दिया, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। मैंने सोचा आज आपकी बातचीत एक ऐसे पत्रकार से कराऊं जो पिछले एक सालों में, जिससे देश के अलग अलग राज्यों में जाके बहुत गहनता से सैकड़ों लोगों से बातचीत की है, देश और दुनिया की राजनीति का मर्म समझते हैं, जिनको पूरा देश सुनता है, जो तमाम टीवी चैनलों पर बहुत तीखे पैनलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और जिनकी योग्यता, जिनकी विद्वता की सारी हर व्यक्ति करता है। आज हम देश के अलग अलग ज्वलंत मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। मैं जानता हूं आप समझ गए होंगे, मेरे साथ हैं अशोक बानखेड़े जी। आप सबके प्रिय और कई लोगों का डिमांड थी कि देश में जो कुछ चल रहा है मैं उससे अशोक जी से उनसे बात करूं। अशोक जी, स्वागत है आपका। और मैंने आपको कष्ट इसलिए दिया कि मेरे दर्शक बहुत दिनों से कह रहे थे कि अलग अलग हिस्सों में जो कुछ चल रहा है उससे मैं आपसे संवाद स्थापित करूं, क्योंकि आप पिछले दिनों पूरा देश घूमे हैं, मतलब बड़े बड़े राज्यों में घूमे हैं। शुरुआत करूंगा महाराष्ट्र और कर्नाटक के विवाद से। कर्नाटक में चुनाव है, सबसे पहले जहां चुनाव हो रहे हैं उसमें एक राज्य कर्नाटक है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक का विवाद अमित शाह की मीटिंग के बावजूद आराम से सुलझते हुए नजर नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है, इसका नुकसान महाराष्ट्र को होगा, इसका नुकसान कर्नाटक को होगा, बीजेपी को होगा, या क्या होगा? देखिये, इसका नुकसान तो महाराष्ट्र में जरूर बीजेपी को होगा, लेकिन वर्तमान में बीजेपी को यह लगता है कि जब महाराष्ट्र के चुनाव आएंगे तब महाराष्ट्र को हैंडल करेंगे। अभी कर्नाटक उनका एक मेन फोकस है, क्योंकि आने वाले जो साल अभी 6 दिनों के बाद शुरू हो रहा है, उस साल में जम्मू कश्मीर के यदि चुनाव होते हैं, सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है, तो 10 राज्यों के, नहीं तो 9 राज्यों के तो चुनाव है ही। 9 राज्यों में कर्नाटक भी एक बड़ा राज्य है। कर्नाटक इसलिए भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी का वो प्रवेश द्वार है। पहले बीजेपी वहां सत्ता में रही, फिर सत्ता से बाहर रही, सत्ता में आना जाना चलता रहता है। पिछली बार येदुरप्पा की नेतृत्व में चुनाव हुआ, फिर पार्टी हार गई, उसके बाद उधार के सिंदूर पे वो पार्टी फिर सत्ता में आ गई, लेकिन उन्होंने येदुरप्पा को घर बिठा के बोम्माई को ले आए। अब बोम्माई भले ही लिंगायत हो, लेकिन हर लिंगायत येदुरप्पा नहीं होता। येदुरप्पा की जो पकड़ है लिंगायत समाज पे वो अलग है। लेकिन ये जो महाराष्ट्र का विवाद जो आपने छेड़ा, इसका मैं आपको बता दूं संजय जी, कर्नाटक एक राज्य ऐसा है, तो उस कर्नाटक की भी स्थिति थोड़ी बहुत महाराष्ट्र जैसी है। कुछ तमिलनाडु से आया हुआ कर्नाटक है, कुछ आंध्र से आया हुआ कर्नाटक है, कुछ महाराष्ट्र से गया हुआ कर्नाटक है, ऐसा एक कर्नाटक का एक निर्माण हुआ। कर्नाटक में, पूर्ण कर्नाटक में हम ये नहीं कहते कि हिंदुत्व की लहर चल सकती है। कर्नाटक में 4 जिले है, चिकमंगलूर एक है, कुर्ग जिला एक है, शिमोगा जिला एक है, और एक दक्षिण कर्नाटक है, ऐसे 3-4 जिले है जहां हिंदुत्व और मुसलमान हिंदू के बहुत भयानक पोलराइजेशन हुआ है, और पिछले 1 महीने में कई मर्डर्स भी हुए वहां पे, हिंदुओं में भी हुए, मुसलमानों में भी हुए। तो वहां आप हिंदू मुसलमान चला सकते हो, तो वहां प्रज्ञा जी को भेज के आपने चाकू को धार तो लगवा ली, वो तो वहां पे चल सकता है। लेकिन जो महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया है, जो मराठी स्पीकिंग है, बेलगांव है और बाकी एरिया है, वहां पे कर्नाटक की अस्मिता को जगाना जरूरी है। वहां हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, वहां कर्नाटक की अस्मिता चलेगी। तो कर्नाटक की अस्मिता कब चलेगी? जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि हम महाराष्ट्र के 40 गांव जो हमारे कन्नड़ वहां गए उनको लेके रहेंगे और हमारी 1 इंच भूमि भी नहीं देंगे, तो कर्नाटक की अस्मिता के लिए लड़ने की वो लड़ाई शुरू हुई। मुझे एक बात बताइए, मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, ना किसी ने कोई ट्वीट किया, ना कोई सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मांगा, केस दर डेट पड़ती जा रही है, लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं, डॉक्यूमेंट रखे जा रहे हैं। ऐसे में ऑल ऑफ अ सडन मुख्यमंत्री का ये कहना कि मैं किसी को नहीं मानूंगा, मैं किसी भी हालत में ये प्रयास करूंगा कि ये सरकार हमारी पूरी 40 गांव लेके रहेंगे और कर्नाटक 1 इंच भूमि भी नहीं देगा, भाई किसने कहा? क्या महाराष्ट्र ने बोला कर्नाटक? महाराष्ट्र तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम तो इंतजार कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन फिर महाराष्ट्र से जाते हुए ट्रकों पर आपने हमले करवाए,
और एक वहां पे कर्नाटक वर्सेस मराठी, कन्नड़ वर्सेस मराठा मराठी, ये एक द्वंद करने का प्रयास किया ताकि वहां के कन्नड़ लोगों को आप जीत पाए कन्नड़ अस्मिता के नाम पे। लेकिन ये दांव कर्नाटक में हो सकता है बीजेपी को मदद कर दे, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है, क्योंकि सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी की ही है। बीजेपी की सरकार जब दिल्ली आके कहती है नेता हमारे कि भाई वो जरा कर्नाटक वाले को समझाओ, तो उनको बोला जाता है संयम रखो। जब महाराष्ट्र के ट्रक जाते तो पत्थर खा के आते हैं, फिर भी कहते हैं संयम रखो। तो महाराष्ट्र की जनता को ये लग रहा है कि जब से देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, तब से वेदांता गुजरात गया, संयम रखो गुजरात में चुनाव है, टाटा गुजरात गया, संयम रखो गुजरात के चुनाव जीतने हैं। तो महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ, अच्छा खासा निवेश आना था वो नहीं आया, क्योंकि गुजरात में चुनाव थे। अब महाराष्ट्र कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर इशू पे भी मार खा रहा है और बोला जा रहा है संयम रखो क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है। तो यदि महाराष्ट्र को क्या शहादत ही देनी है? क्या महाराष्ट्र में एक भी मर्द नेता नहीं बचा जो इस शहादत के खिलाफ आवाज उठाए? और वो मर्दांगी का काम वहां का विपक्ष कर रहा है, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बगले झांक रहे हैं, वो जगह नहीं मिल रही उनको कि क्या जवाब दे इसका। वो बार बार इनको पूछ कर रहे हैं कि भैया आप केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं जाते? जब वेदांता गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इससे बड़े प्रोजेक्ट देंगे। अरे कहां कहां दिए, कहां गए प्रोजेक्ट? तो ये लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे जा रही है। वहां पर महाविकास आघाड़ी यदि चुनाव लड़ती है तो मुझे लगता है, और अच्छा कंबाइन होकर और ठीक ठाक चुनाव लड़ ले, तो लोकसभा में बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इतनी बुरी स्थिति है, क्योंकि जो शिवसेना इन्होंने तोड़ी, जो 41 सांसद गए, विधायक गए, संजय जी महाराष्ट्र की शिवसेना की संरचना थोड़ी अलग है, वहां नेता कार्यकर्ताओं के भरोसे है। शिवसैनिक तय करता है कि इसको विधायक बनाना है तो बना देते हैं। विधायक को ये लगे कि वो अपने बलबूते पे शिवसैनिकों को पाल रहा है तो ये उसकी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी जब छगन भुजबल छोड़ के गए तब उनकी दूर की गई, जब नारायण राणे 11 लोगों को लेके गए थे छोड़ के तब दूर की गई थी, और 41 लोग इस बार गए तो उनकी भी दूर हो जाएगी। इन 41 में से कम 4 या 5 लोग छोड़ के बाकी सब चुनाव में हारने वाले हैं, सब वीआरएस लेके बैठे। तो शिवसेना टूटी नहीं, शिवसेना से एक अलग गुट हुआ जिसकी कोई वजूद नहीं रहा। जमीन पे आज भी यदि किसी की पकड़ है तो वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की। ये ग्राम पंचायत के चुनाव में बिना सिंबल का चुनाव लड़ते हैं तो हर आदमी कहता है मेरा ही आदमी है ये। मतलब 10,000 ग्राम पंचायत होगी तो 20,000 क्लेमेंट हो जाते हैं, सबके टोटल करो तो 20-22 हजार ग्राम पंचायत निकल लेते, क्या करेंगे? अशोक जी, महाराष्ट्र के एक और नेता है तो पिछले कुछ दिनों से, 1 साल 2 साल से सबसे ज्यादा चर्चा में है, सबसे ताकतवर नेता और आपके मित्र भी रहे हैं, नितिन गडकरी साहब। तो महाराष्ट्र के संग इतनी अपेक्षा हो रही है तो वो क्यों खामोश हैं? वो खामोश, उनको खामोश किया गया है। नितिन गडकरी के पास इतने मंत्रालय थे, एक मंत्रालय बचा, रोड मंत्रालय। नितिन गडकरी को अगला लोकसभा का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। नितिन गडकरी को ना किसी आयोजन में बुलाया जाता है, अभी इतना बड़ा आयोजन हुआ गुजरात की विजय का, हेडक्वार्टर के पे एक पूर्व अध्यक्ष के नाते वो दिखाई नहीं दिए कहीं वहां, ना कोई प्रचार में कोई कहीं बुलाया जाता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड से ड्रॉप करने के बाद उनका तो कोई वजूद भी नहीं रहा है, ना कहीं कोई ऑब्जर्वर करके भेजे जाते हैं। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि उनका टिकट कब कटता है अगले लोकसभा का। स्थिति ये क्या है। करेंगे, क्या और करेंगे जब गडकरी? गडकरी के बारे में एक बात तो मैं गारंटी के बता दूं संजय जी, गडकरी जी अडवाणी नहीं है ना, उनके पास ना उनका स्वास्थ्य खराब है, ना उनके पास उम्र का प्रॉब्लम है। गडकरी एक परफॉर्मर है, गडकरी का एक वजूद होगा। और यदि बीजेपी को कल सीटें लोकसभा में कम पड़ती है तो गडकरी एक होगा जिसका अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी राजनीतिक दलों से बहुत अच्छे संबंध है, क्योंकि रोड बनते हैं तो उनका कहना है कि ये किसी राज्य में यदि विपक्ष की सरकार है तो रोड में हवा में नहीं बना सकता, ये राज्य भाई बीजेपी का नहीं है इसलिए इस राज्य को छोड़ के आगे से रोड, तो बीच वाला रोड कहाँ जाएगा, ट्रैफिक कैसे जाएगा? सही बात। तो मैं देश का मुख्यमंत्री हूं और मुझे हर देश के लिए काम करना है। आपने एक लाइन कही कि गडकरी आडवाणी नहीं है,
इस लाइन को जरा हाँ, थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? अडवाणी जी को मार्गदर्शन मंडल में बिठाने के बाद अडवाणी जी चुप रहे, मुझे नहीं लगता गडकरी चुप रहेंगे। गडकरी का लोकसभा टिकट कटने के बाद गडकरी फ्री बर्ड हो जाएगा, और खुले गडकरी ज्यादा तकलीफ वाले होंगे नरेंद्र मोदी जी को। ये कहने का इतने मतलब ही, ये है कि क्या गडकरी कांग्रेस में भी जा सकते हैं? गडकरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे ना पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे। संघ का इतना बड़ा बैकिंग गडकरी के पास है, तो गडकरी कोई सामाजिक संगठन खड़ा करके ही सरकार के लिए सवाल भी खड़े कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये गडकरी को ऐसा खुला छोड़ देंगे। लेकिन गुजरात के चुनाव की जो जीत है, ऐतिहासिक जीत, यदि हिमाचल भी जीत जाते और दिल्ली भी जीत जाते तो गडकरी का शायद मंत्रालय भी अभी निकाल लेते। लेकिन हिमाचल और इसने दिखा दिया दिल्ली के नगर निगम चुनाव ने कि बीजेपी सिर्फ गुजरात में ही करिश्मा कर सकती है, बाकी जगह वो अभी चेहरा नहीं रहा, वो मशरूम का रिलेशन भी नहीं बिका, और गली कुचे में जो चाय पीला पीते थे नरेंद्र मोदी जी हिमाचल में, वो भी काम नहीं आए, वो चाय वाले भी भूल गए उस चेहरे को। कर्नाटक में चुनाव है, कर्नाटक में यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, जिसके ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे, येदुरप्पा को आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया जरूर, लेकिन हाल ही में जेपी नड्डा की एक मीटिंग थी उसमें येदुरप्पा ने जाने से मना कर दिया था, और बड़े मुश्किल से येदुरप्पा को मना के, जो अरुण सिंह इंचार्ज है जनरल सेक्रेटरी, बड़े मना के लेके गए उनको। वहां रेड्डी ब्रदर्स ने अलग पॉलिटिकल पार्टी घोषणा की है कि हम बनाने जा रहे हैं। उसका क्या असर रहेगा? जनार्दन रेड्डी ने जो अलग पार्टी बनाने की बात कही, उसका क्या रेड्डी का असर? रेड्डी का रेड्डी का बलियरी बेल्लारी एरिया में उनका एक इन्फ्लुएंस है, दो तीन जिले हैं जहां इन्फ्लुएंस है, और पैसा बहुत, आज तक कभी भी बीजेपी अपने बलबूते पे कर्नाटक में सत्ता में नहीं आई, पूर्ण रूप से कभी बहुमत नहीं आए, उनको हमेशा लोगों की मदद लगी है, कभी इंडिपेंडेंस की कभी किसी की। ऐसे में रेड्डी जैसा एक ताकतवर ग्रुप यदि उनसे टूटता है तो वहां एक लॉस होगा। दूसरा, राहुल गांधी की पदयात्रा ने जो अभूतपूर्व समर्थन कर्नाटक में मिला, और बेंगलोर की जो ऐतिहासिक रैली, लोग कहते कि ऐसी रैली कभी बेंगलोर में हुई नहीं, उससे भागदौड़ मची है। इसलिए अब ये पॉकेट पॉकेट पे काम कर रहे हैं, जहां मैंने आप चार जिले बताए आपको, शिमोगा है, चिकमंगलूर है, कुर्क है, इन तीन चार जिलों में हिंदू मुसलमान है, तो वहां कल चाकू का धार तेज करवाया प्रज्ञा जी को भेज के, या महाराष्ट्र के बॉर्डर पे वो लगातार वो कर रहे हैं, कुछ जगह कोई और इश्यूज उठा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये 40% की सरकार जिसको बोला जाता है, जहाँ मतलब ऑन एंड एवरेज 40% का कमीशन मांगा जाता है, ऐसा कहा जाता है, भ्रष्टाचार के इतने आरोप है हर मंत्री पे, तो वहां बीजेपी को सत्ता में आना मुश्किल है। यदि नरेंद्र मोदी जी ने ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी नहीं आई, तो ये हिमाचल के बाद दूसरा एक राज्य होगा जहां इनका ब्रांड खराब होते नजर आता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मामा को ही पता नहीं कि वो मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे, वह अनसर्टेनिटी है। तो ऐसी कई चीजें हैं आने वाले। छत्तीसगढ़ में तो पूरी बीजेपी बघेल साहब के पेरोल पे है, वहां बीजेपी दिखाई नहीं देती। तो इस आने वाले 10 राज्यों के चुनाव में यदि बीजेपी बुरी तरह से हारती है कई राज्यों में, अब मणिपुर में जीत जाए, मिजोरम जीत जाए, वो बात अलग है, लेकिन इन मेजर राज्यों में यदि तकलीफ होती है, आज आप राजस्थान की बात लीजिए, राजस्थान में जितने कांग्रेस में इनफाइट है उतनी ही इनफाइट्स आपको बीजेपी में दिखाई देती है। क्या वसुंधरा को साथ लेके ये चल पाएंगे? पार्टी के जो अध्यक्ष है उनके घर में, जो उनके गृह नगर में जो बाई इलेक्शन हो गया उसमें बुरी तरह से 30-30 हजार से लीड से हारी है पार्टी, जबकि वहां पे कांग्रेस में भयानक घमासान चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर। तो उसका उसका एडवांटेज उठाने के लिए बीजेपी वहां है क्या, ठीक बात, ये देखने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर अशोक जी, कर्नाटक में बंगलौर आईटी सिटी माना जाता था हब तक, बंगलौर के मतलब नौजवानों की फौज रहती थी। पिछले दिनों में हैदराबाद की और आईटी सिटी घूमने गया, मैंने देखा कि कर्नाटका के बहुत सारे इंडस्ट्री अब हैदराबाद शिफ्ट हो गए, कारण कि कर्नाटका में उनका कहना था हिजाब पे, खाने पे, हिंदू मुसलमान पे, भी ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनियां, मतलब ये वहां सरकार ने भी रियलाइज किया, और यही कारण है कि बीच में बोम्मई जी ने एक मैसेज भी दिया था कि मैं कौन सा संगठन है इस पे ध्यान नहीं दूंगा और मैं सब पे कानूनी कार्यवाही करूंगा। ये जो थे मंदिरों में मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने देंगे, गाड़ियों पे मुसलमान ड्राइवर नहीं रहने देंगे,
लेकिन इसी बीच एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आया है हलाल मटन बैन करने का, वो भी एक चिंता का विषय है। तो पूरे कर्नाटक में जो पढ़ा लिखा कर्नाटक का ग्रुप है खास, उसको पढ़े लिखे विद्यार्थियों को, पढ़े लिखे लोगों को ये हिंदू मुसलमान नहीं गले उतर रहा है, तो उनके लिए कर्नाटक अस्मिता महाराष्ट्र में जमीन जाने नहीं दे रहे, वो कंसेप्ट बेच रहे हैं। हर मर्ज की पुड़िया है इनके पास, हाँ, हर मर्ज की बुढ़िया, ये बात तो सही है। लेकिन जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोग पुड़िया नहीं चाहते, वो तकलीफ ही नहीं चाहते, वो ना वायरस चाहते, ना कोविड चाहते, ना मलेरिया चाहते। आप ये कहो कि मेरे पास सब रोगों की दवाई है, अरे बोले रोग हो क्यों, आदमी बीमार क्यों पड़े पहले, इसलिए हाँ, पैर उसका निदान हो, ठीक बात है। वो केसीआर के पास जा रहे हैं तेलंगाना में। और तेलंगाना में पता है आपको, वह हिंदुओं को भी पैसा मिलता है, मुसलमानों को भी पैसा मिलता है, मौलवी को पैसा मिलता है, हिंदू लड़की की शादी में पैसा मिलता है, मुसलमान के लड़की की निकाह में पैसा मिलता है। वहां आग उगलने वाला वो एसी वहां पे भी आराम से रहता है, वो एसी बाकी जगह पे माइनस फैक्टर है, वहां प्लस फैक्टर है केसीआर के लिए। हाँ, सही बात है, सही बात है। हाँ, तो वो वहां पे हैदराबाद में आईटी सिटी जो इसकी नींव डाल के गए थे पहले वाले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू चंद्रशेखर। नायडू, तो चंद्रबाबू नायडू की डाली हुई नींव पे बेहतरीन इमारत केसीआर बना गए, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं। तो आप ऐसे तमाम चीजें जब आप देखते हो कि उद्योगपतियों का भी पलायन हो रहा है, लोग भी जा रहे हैं, बैंगलोर वॉज अ डेस्टिनेशन, अब वो बैंगलोर एकदम लोगों को डर लगता है कि मैं मतलब आज मराठी आदमी हूं, बैंगलोर में जाऊं कि नहीं जाऊं, कन्नड़ मारना शुरू कर देंगे। इडली डोसा बेचने वाले जितने भी उड़ीपी रेस्टोरेंट है महाराष्ट्र में, आज वो जान हथेली भी लेके चल रहे बेचारे, कब दंगे भड़के और हमको मारा जाएगा बिना वजह। सही तो बात इसके है, लिए मुख्यमंत्री बोम्बई जिम्मेदार है ना, सर्वोच्च न्यायालय का केस जबरन क्यों बाहर, हवाबाजी करने क्या मतलब थी, जो कुछ बोलो पटल पे बोलो, जो कुछ बोलो सदन में कोर्ट में बोलो, सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, बाहर उसकी प्रदर्शनी जरूरत क्या थी। बाहर के प्रदर्शनी क्या मतलब है। देखो टीम बात है लेकिन ये अशोक, केंद्र की अनुशंसा पे हो रहा है, केंद्र सरकार के मतलब ये अमित शाह नरेंद्र मोदी इनके स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है कि तुम वहां महाराष्ट्र को गाली दो, अपने वोट सिक्योर करो, पहले कर्नाटक जीतना है। सही बात है अशोक जी। इस बीच में एक और राजनीति में बदलाव हुआ, भारत छोड़ो यात्रा 2024 के संदर्भ में आप इस यात्रा को किस तरह देखते हैं? देखिए 2024 के संदर्भ में इस यात्रा को मैं बड़ी यात्रा मानता हूं, क्योंकि इस यात्रा की शुरुआत अभी हुई है। एक तो ये दक्षिण से उत्तर तक जा रही है, उसके बाद पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब पूरब तक जाएगी। जब ये दोनों सेक्शन हो जाएंगे तब तक 2024 का चुनाव आएगा। और राहुल गांधी ने एक बात बता दी है, चाहे मीडिया उसका साथ दे ना दे, लोग साथ दे ना दे, वो रास्ते पे निकल पड़े, और जब रास्ते पे वो निकल पड़े तो बस लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। और आज ये स्थिति ऐसी कि लोग इंतजार करते हैं कि यात्रा हमारे प्रदेश में कब आए और हम उनको मिलने कब जाए, लोग गाड़ियों से नहीं लाना पड़ता, वो दिन चले गए। पहली बार कई दिनों के बाद ऐसे आयोजन दिखे जहां लोगों को गाड़ियों के बगैर लाया जाता है, जहां कुर्सियां खाली नहीं मिलती है, लोग इतने ठंड में भी चलना शुरू कर देते हैं। और उस युवक ने बता दिया कि जिसको आप पप्पू कहते थे, ड्रगिस्ट कहते थे, नॉन सीरियस कहते थे, पार्ट टाइम कहते थे, विदेश भागने वाला कहते थे, उस आदमी ने बता दिया कि वो क्या है। आज एक प्रधानमंत्री का पठान पठान वाला कोट क्या मार्केट में चल गया तो बीजेपी से तुरंत क्लेरिफिकेशन आया कि प्रधानमंत्री जी ने किस रेफरेंस में कहा था। राहुल गांधी ने जब आलू से सोना निकलेगा इसका रेफरेंस दिया बीजेपी ने, तब शर्म नहीं आई आपको वो सर्कुलेट करते हुए। अरे जब जो भाई बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अशोक जी। एक आखिरी सवाल, 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल राज्य कौन कौन से होने वाले हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा, ये बड़े राज्यों के नाम ले रहे हैं जहां से बड़ी सिटी आते हैं, ये मेजर राज्य है। साउथ इंडिया की मैं बात नहीं करता हूं जहां वो है ही नहीं। तेलंगाना में तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आंध्र प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, केरला तमिलनाडु में है नहीं, पांडिचेरी में जरूर है लेकिन वहां एक सीट है। नॉर्थ ईस्ट में कुल मिला के 8-10 सीटें हो जाती है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, आसाम छोड़ दिया तो ये जो मेजर राज्य है जहां से यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां से जो ज्यादा सीटें आती है इन जगह पे, वहां भयानक स्टीफ है। मेरे मेरे इंफॉर्मेशन के अनुसार बीजेपी ने कम से कम 160 सीटें ऐसी वर्तमान सीटिंग जो उनके पास है उसमें से 160 सीटें ऐसी है जहां उनको जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां चुनाव हारने के चांसेस है।
160 सीटें अगर हार जाएंगे, 300 में से 160 हार जाएंगे, आपका कहना है कि बीजेपी 150 के आसपास सिमट जाएगी? नहीं, हारने की चांसेस है ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, तो वो उस पे अब मेहनत कर रहे हैं। हैदराबाद में जो मीटिंग होगी अभी, उसपे माइक्रो लेवल पे काम होगा। वो जिले के अध्यक्ष को, वहां के सांसद को, वहां के एक एक पदाधिकारी को बुला के उस सीट पे मेहनत करने के, 1 साल का टाइम है आपके पास। देखिए, बीजेपी के पास आकलन हमसे ज्यादा अच्छा होता है, नेचुरली ऐसा नहीं। जो लोगों को बोलते हैं अगली बार 200 पार, उनको भी मालूम है कि 100 नहीं मिल रही है, लेकिन वो बोलना पड़ता है, हर हर महादेव करना पड़ता है, भला युद्ध जीते ना जीते। बिल्कुल सही बात है। तो जाहिर जाहिर है कि अशोक आज के जी, डेट में, आज यदि सब चुनाव होते हैं, आज यदि चुनाव होते हैं, तो जेठ में जो स्थिति है, बाकी राज्यों में जो स्थिति है, उसमें बीजेपी को मैं 200, 220 पे पाता हूं। आपका कहना है कि अगर जो आज के हालात हैं उसमें बीजेपी 200 से 220 सीटें, 200 से 220 सीटें से ज्यादा आगे नहीं लाएगी, निकलेगी? निकलेगी। उत्तर प्रदेश में आपको ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी चीजें फंस सकती हैं? उत्तर प्रदेश इसलिए फंस सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली बार अखिलेश के पास 44 थी, इस बार 125 सीटें हैं। अखिलेश को यह भी समझ में आ गया है कि अखिलेश जी यदि जमीन पे उतरते हैं, तो जो ऐतिहासिक जीत उनके पत्नी को मिली, वैसी वो जीत बाकी लोगों को भी दिलवा सकते हैं। अखिलेश ने 125 के भरोसे यदि 20 सीटों का भी मार किया, समाजवादी ने 20 सीट भी उठा के ले आई, तो आपकी सीटें और 20 से कम होगी। और उत्तर प्रदेश में हर लोकसभा चुनाव में सीटें कम हो रही है बीजेपी की, उसमें 20 का गैप और पड़ गया। तो तो ये ठीक पाटे का कहां से? एंटी कह रहे इनकम्बेंसी है, दोनों सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी है। नरेंद्र मोदी का चेहरा भी फीका पड़ने लगा है, हमने देखा। अयोध्या सेक्टर पूरा वॉशआउट हो गया विधानसभा में। विधानसभा में जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोगों को समर्पित किया, प्रधानमंत्री 3 दिन तक रहे, गली कूचे रेलवे स्टेशन पे से लेकर सब जगह चाय की गलियों में घूमे, उसके बाद भी 54 में से 27 सीटें समाजवादी ले जाता है। तो ये तमाम चीजें, ये स्थिति अगर रही तो आपको क्या लगता है फिर सरकार अगर बनेगी तो एनडीए की बनेगी, अकेले बीजेपी की नहीं बनेगी? अकेले बीजेपी की मुश्किल है। और एनडीए की यदि सरकार बनती है, तो क्या एनडीए की सरकार चला पाएंगे नरेंद्र मोदी? क्योंकि मोदी जी को हमेशा मर्सिडीज में घूमने की आदत है, ऑटो में कभी बैठे नहीं। जब ऑटो में बैठेंगे तो साथ वाले कस्टमर को, साथ वाले पैसेंजर को भी बड़ा प्यार से सट के बैठना पड़ता है। ये लाइन आपकी अच्छी है, लेकिन ये बताइए मुझे कि एनडीए की सरकार बनेगी तो नेता क्या मोदी होंगे, ये कंफर्म होगा? जरूरी नहीं, एनडीए के घटक दल जो बोलेंगे उनको नेता होना होगा। और क्या लगता है एनडीए के घटक दल किसको बोलेंगे? वो गडकरी को भी बोल सकते हैं, राजनाथ को भी बोल सकते हैं, योगी को भी बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उद्योगपतियों की क्या भूमिका रहेगी? जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है, तो उद्योगपतियों की ज्यादा भूमिका होती नहीं। इसलिए नहीं होती कि उद्योगपति किसको बोलेंगे, उद्योगपति क्योंकि जो लोग प्रताड़ित है नरेंद्र मोदी से, उनके लिए अडानी ने पूरा पैसा भी खोल दिया, तो बोलेगा पैसा तुम्हारे पास रख, एक बार हम सत्ता में आएंगे तो तेरे से वैसे ही वसूल लेंगे। अडानी से क्यों? ईडी और इनकम टैक्स का यूज सिर्फ वही जानते हैं क्या? यदि लालू यादव की 2018 का केस, और पुराना पुराना केस, 18 साल पुराना केस खुल सकता है, तो अडानी जी के पोर्ट पे उतरा हुआ 3,000 किलो का ड्रग, उसका केस नहीं खुल सकता फिर से? क्या देश में एयरपोर्ट और पोर्ट्स, सी पोर्ट्स नेशनलाइज नहीं हो सकते क्या? आपका मानना ये है कि अडानी के एयरपोर्ट पे 3,000 किलो ड्रग्स आया था? एयरपोर्ट पे नहीं, पोर्ट पे जो आया था पकड़ा गया, सबको पता है। हाँ, पे, बंदरगाह पे। केस फिर खुल सकता है। आपको मानना ये है कि सरकार बदली तो अडानी के लिए परेशानी पैदा हो जाएंगी? बहुत ज्यादा, अंबानी जी का तो सभी दूर हाथ है, सभी को लेके चल रहे हैं, लेकिन अडानी सबसे बड़े टारगेट पे होंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो, उन्होंने खुद दुश्मन पाले हैं, प्रश्न ही वो तो है। हर से दोस्ती करते हैं, हर जगह जाते हैं, अडानी हैं, सबसे बात आपसे करते हैं। संजय जी, आपसे संजय जी दोस्ती की होगी, मुझे तो नहीं पता। एनडीटीवी खरीदा नहीं खरीदा? देखिए उन्होंने पत्रकारों के पास, तो पत्रकारों के तो रोजगार मुहैया करा ही रहे हो। हाँ, एनडीटीवी पता कितने लोगों को पता, रोजगार चला जाएगा ये देखो ना। मैं अच्छा एक अशोक जी, अकेले रवीश की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ
अच्छा शोरी, एनडीटीवी खरीदने से जनता के अंदर मैसेज क्या गया अडानी का? ताकतवर वाली इमेज आई, खराब इमेज नहीं आई, नहीं लोगों ने क्या किया अडानी के लिए? अडानी को लोग तो अडानी को पपेट समझते हैं मोदी जी का। वो कहते हैं कि भाई एक रविश को आप इतना डर गए कि आपने चैनल ही खरीद लिया, घर में मच्छर हो गया तो आपने आग ही लगा दी। मैनेज नहीं कर पाएंगे अडानी, मैनेज नहीं कर पाएंगे बाकी लोग, सरकार बंदी तो मैनेज नहीं नहीं कर नहीं पाएंगे नहीं आप। उनको चैनल चलाना ही नहीं, उनको रविश को बाहर करना था, वो कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन नहीं अब मेरा रविश रविश उससे बड़ा निखर के ऊपर आए हैं। आम जनमानस ये सब चीजों को कैसे महसूस करता होगा कि हिमाचल के सेब भी अडानी के, हवाई जहाज बंदरगाह भी अडानी का, हवाई जहाज भी अडानी के, रेल भी अडानी की, आम जनमानस को कैसा लगता होगा शोभ ये सब सुन के? आम जनमानस तो कहते ही है ना, हम दो और हमारे दो। धारावी भी अड़ानी ही करेगा, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कुछ हो तो अड़ानी ही करेंगे। जहां बीजेपी की सरकार है वहां अड़ानी जाएगी, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पुराने एग्रीमेंट पे अड़ानी है। तो मोदी जी को लगता नहीं है कि इन सब चीजों से जनता में नाराजगी बढ़ जाएगी कि एक ही व्यक्ति को? मोदी जी को ये पता है कि जब वो मन की बात कर लेंगे तो संभाल लेंगे, ऐसा उनको लगता है। 2014 से यही होते आ रहा है। पहली बार गुजरात में उनको समझ में आ गया कि तकलीफ हो सकती है, हिमाचल में समझ में आ गया कि अब नाम नहीं चलता है। अशोक ये मोदी जी डर को भी तो समझ में आ होता गया, बंगाल में भी उनको समझ में आ गया कि उनका कुछ पेतरा नहीं चला। तो अशोक ये डर तो अडानी को भी लगता होगा, सरकार बदली तो विदेश चले जाएंगे सर, छोड़ देंगे हिंदुस्तान क्या कर लेंगे, किसी कंट्री में जाके बैठ जाएंगे। और यहाँ पे जो इतने कारोबार हैं ये सब हवाई अड्डे और बंदर का ये कौन देखेगा? सब लॉस में चले जाएंगे, नेशनलाइज हो जाएगा। उसके पहले बहुत सारी चीजें होती है संजय जी। आपको क्या लगता है, विजय माल्या विदेश चला गया तो क्या खाली बैठा है क्या? उनके पास पैसा नहीं है क्या? सारा अच्छा पैसा नहीं है पैसा बाहर साइफन ऑफ होके गया, सारे लोग बाहर है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वही आपको किसी लंगर में खाना खाते हुए दिखाई नहीं देगा गुरुद्वारे के, इंग्लैंड में ऐसी अड़ानी भाग जाएंगे हो सकता है सरकार बदली तो। बदली तो। लेकिन लोग कहते हैं अड़ानी का व्यवहार तो अच्छा है, बातचीत बातचीत करने में तो बड़े कोमल से हैं, मधुर से हैं। मैंने क्या कहा, व्यवहार अच्छा है, लेकिन अंबानी ने तो एनडीटीवी नहीं लिया ना, वो तो उन्हीं के पास था। शेयर तो अंबानी के पास ही थे ना, लेकिन उन्होंने तो दुश्मनी नहीं मोल ली ना। इन्होंने ले ली, ये बात तो सही है आपकी, इस बात में दम है। चलिए अशोक जी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आ जाता है। धन्यवाद हफ्ते में एक दिन धन्यवाद हम लोग बात जरूर किया करेंगे, दर्शकों को बड़ी रुचि रहती है, आप बहुत अंदर तक धन्यवाद जाके बात करते हैं। धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे अशोक वानखेड़े जी, देखिए बड़ी सीधी सीधी खरी बात कहने वाला एक पत्रकार जो दबंगी से अपनी बात कहता है। मुझे यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको ये बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया।